प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। वैसे तो योगी सरकार लगातार फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, लेकिन कुछ अधिकारी कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो इस मंशा पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 25 जनवरी का दिन था और यहाँ 568 जोड़ों की शादी हुई थी, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में दूल्हे के बिना ही दुल्हनों की शादी करा दी गई। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ दुल्हनें खुद ही वरमाला पहन ले रही हैं। फिलहाल मामले में FIR दर्ज कर जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार 51,000 रुपए देती है। हर जिले में इसका आयोजन होता है। इसी क्रम में बलिया जिले में 568 जोड़ों की शादी कराई गई, लेकिन अब इसमें फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया। सैकड़ों दुल्हनों की बिना दूल्हे के ही शादी करा दी गई। कई सारी दुल्हनों ने तो अपने ही हाथों से अपने गले में वरमाला डाल ली। बुरके में आई मुस्लिम दुल्हनों ने भी अपने हाथ से ही वरमाला डाली। पूछने पर पता चला कि इनमें से कई सारी लड़कियां घूमने फिरने के लिए आई थी, जिन्हें पैसे का लालच देकर सामूहिक विवाह योजना में फर्जी तरीके से बैठा दिया गया ताकि कागजों में गिनती हो जाए और सरकारी खजाने से पैसे ले लिए जाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसके बाद बवाल मच गया। मामले में बांसडी विधानसभा से BJP के विधायक केतकी सिंह का कहना है कि घटना संज्ञान में है, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये गरीबों के साथ खिलवाड़ है। जिला प्रशासन ने भी जांच टीम गठित कर दी है, FIR के आदेश भी दिए गए हैं। फिलहाल CDO ने एक बयान में कहा है कि 20 सदस्य टीम जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को तत्काल रोक दिया गया है। अभी तक 20 पात्रों की जांच में 8 लोग फर्जी पाए गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रिकवरी भी कराई जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी योजना और इतने भरोसे के साथ लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि गरीबों तक हर एक सुविधा का लाभ पहुंचे, तो फिर आखिर क्यों चंद पैसों के लिए इस तरह के भ्रष्ट जो लोग हैं वो गरीबों के हक को मार रहे हैं।